तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला को बंधक बनाकर 25 लाख की कार सहित मोबाइल व अन्य सामान लेकर आरोपी फरार हो गए हैं। नवी थी आपके साथ मैडम, कहाँ क्या घटना क्या हुआ? इंटरव्यू के नाम पे बुलाया और मैं इंटरव्यू को देने के लिए जब पहुंची तो उन लोगों ने क्या बोलते हैं कि जैसे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैं वॉशरूम के बहाने से मैं बाहर जाने लगी, तो उन लोगों ने बिल्कुल मुंह दबा के और टेप लगा के और चार चुके मारने लगे और उनके हाथ में चाकू थे ऐसे बड़े बड़े और वो मारने लगे और क्या बोलते हैं बोले कि क्या बोलते हैं कि फिर सारा मुंह टेप से बंद कर दिया, इधर बंद कर दिया, इधर बंद कर दिया, सारे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और फिर वो धमकी दे रहे थे बार बार कि जो हम पूछते चल रहे हैं बताते चलो, नहीं तो क्या बोलते हैं अभी और मारेंगे, हम सीधे से पूछ रहे हैं सीधे से बता दो। क्या पूछ के आ रहे थे आपसे? मेरे मोबाइल का पासवर्ड लिया, मेरे अकाउंट का पासवर्ड लिया, मेरे क्या बोलते हैं मेरे गूगल पे का पासवर्ड ले लिया, मतलब जितनी भी फाइनेंशियल डिटेल्स होती वो लेना चाहते थे, मेरे से मेरे एटीएम के डिटेल्स मांग रहे थे, तो एटीएम को लेके आज का साथ में चलता नहीं था, उनको एटीएम की डिटेल ले ली। काहे का इंटरव्यू था वहां किसका? वो कह रहे थे बंधन बैंक का इंटरव्यू है, लेकिन वो शायद आपको जो कॉल आया होगा तो क्या आपने अप्लाई की थी क्या वहाँ? हाँ अप्लाई किया था, डिप्टी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट थी तो उसके लिए अप्लाई किया था, मेल पर रिवर्ट भी आया था जैसे कि सारे बैंक वाले करते हैं तो लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो उनका जो मतलब अटायर था ना वो काफी डिफरेंट था, मतलब वैसे तो लोग आते तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्मल ड्रेसअप होकर आते हैं, लेकिन जब मैंने वो लड़के को देखा तो वो एकदम पैंट शर्ट पहने हुए बहुत ही वैसे बैठा हुआ था, तो मुझे कुछ डाउट हुआ था, मैंने सोचा यहाँ से निकल लूँ यही, जैसे मैंने निकलने को किया तो उन्होंने पकड़ के और क्या बोलते हैं टेप लगा दिया। और कहाँ पर बुलाए थे आपको? टीवीएस मोटर्स के सामने। घटना ट्रांसपोर्ट नगर के समीप स्थित एजेंसी के समीप की बताई जा रही है। दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सिविल लाइन थाना पहुंचे फरियादी से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जानकारी ले रहे हैं, वहीं पुलिस का एक दल मौके के लिए रवाना हो चुका है। बताया जा रहा है कि बंधन बैंक में जॉब के लिए महिला को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जब महिला कार में सवार होकर अपने चालक के साथ इंटरव्यू के लिए पहुंची तभी आरोपियों ने महिला समेत चालक को बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट करते हुए कार सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। क्या घटना कैसे क्या हुई पूरा बताइए। घटना हुई है जब भाभी को लेके वहाँ गए, कृष्णा कुंज के सामने गए वहाँ खड़े हुए, तीसरे फ्लोर में बिल्डिंग थी तो उसमें भाभी को साथ में ले गए कि नीचे चलो वहीं चेकिंग करेंगे, तो हमने साथ में गए थे, लड़की थी, लड़की वो साथ में आई दूसरे फ्लोर में, वो लिफ्ट से लेके ऊपर गई, ऊपर ले जाने के बाद हम बैठे थे तो हमको बोली कि तुम वेटिंग रूम में बैठो और इंटरव्यू के लिए मैडम को बुला रहे हैं, तो हमने वेटिंग रूम में बैठ गए, फिर उसके बाद जब भाभी को अंदर ले गए तो पहले दो आए हमारे पास खड़े हुए, तो तुमको डाउट हुआ उधर से हम आवाज़ करने लगे, उन दोनों ने हमको मारा, खूब मारा, मतलब मुँह में टेप लगा दिए थे, पूरा पूरे शरीर में टेप लगा दिए थे, पूरा बांध दिए थे, बांधने के बाद हमको लातों से मारे, चाकू लगाए हैं। बताया जा रहा है कि इंटरव्यू देने गई महिला का नाम विंध्या श्रीवास्तव है, जो रीवा के नामचीन गायनी चिकित्सक सैलवाला की इकलौती बहू बताई गई है। मेरे भाभी के साथ इंटरव्यू के बहाने जो है उनको कमरे में बंद करके उनके साथ जो है मारापीटी की गई, गाड़ी भी चुरा लिए, सब कुछ उनका दस्तावेज सब कुछ ले लिए। क्या क्या कह के बुलाए? बंधन बैंक का इंटरव्यू था ऐसा कह के बुला रहे थे। ये वो बैंक का नहीं है, वो फार्मा से है, वो टीवीएस एजेंसी के सामने वाली देखा के। हाँ जी, गाड़ी कौन सी थी? जी किया की कार है, वो टॉप मॉडल थी, 30 लाख की गाड़ी आती है। वो गाड़ी कहाँ है अभी? वो गाड़ी ले गए उन लोग, वो लोग लगभग 8 लोग थे, जिसको ड्राइवर को बांध दिया, पूरे टेप लपेट दिया दोनों भाभी को भी और भाई ड्राइवर को भी, ड्राइवर ने शीशा तोड़ के जो है बाहर आया तब वो बाहर निकले, उनको बंधक बना लिया था पूरा। हमला भी किए? हाँ मारे भी हैं, हाथ से छुरा काटे हैं, मारे खूब मारे हैं। किसका? ड्राइवर को भी, मेरी भाभी को भी छुरे से मारा। हाँ ये गाड़ी किस्त में थी क्या? ऐसा तो कोई नहीं सीजा हुआ ऐसा? नहीं नहीं, गाड़ी किस्त में नहीं थी, गाड़ी अभी ली गई थी दीपावली में। आप लोग कहाँ के निवासी हैं? हम लोग देखिए जो गुड़चौरा के निवासी हैं। आपकी भाभी का नाम है? विंध्या श्रीवास्तव, सौमिल खरे। तो ये इंटरव्यू देने गए? जी इंटरव्यू के, इंटरव्यू के बहाने उनको लूटा गया है, पूरी प्री प्लानिंग थी लगता है इनके, 8 लोग बता रही है हमारी भाभी, 8 लोग थे।
और कोई नहीं था इंटरव्यू के लिए, इनको जैसी वो एंट्री हुई है वैसे ही उनको दरवाजा बंद करके बूबे टेप बांध दिया, सब कुछ कर दिया, उनको खूब मारा है। प्री प्लान था तो एक बिल्डिंग के अंदर होगा, तो उस बिल्डिंग में तो कुछ लोग होंगे अभी भी। अभी जैसे भाभी लोग मेरी बता रही है कि वहाँ कोई नहीं है, सब भाग गए, वो हमारी गाड़ी लेके भाग गए, वो गाड़ी भी लूट के, हाँ वो गाड़ी लूट के ले गए। आठ लोग बता रहे हैं, हमारा ड्राइवर जो बता रहे हैं वो आठ लोग थे। क्या है, किसी को पहचानते? आप ड्राइवर कह रहे हैं अगर आ जाएंगे सामने तो पहचान लेंगे, वैसे नहीं जानते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित खरे है। देखिए इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर रीवा से, जहां रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला को बंधक बनाकर 25 लाख की कार सहित मोबाइल व अन्य सामान लेकर आरोपी फरार हो गए हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब पीड़ित महिला अपने घर से कार में सवार होकर इंटरव्यू देने जाने के लिए निकली थी, तभी बदमाशों ने महिला सहित कार चालक को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। आपके पास मेल आईडी है? मेल आईडी तो पास है, बता दिया आपने। मेल आईडी होगी तो मेल आईडी तो क्या हो? इसको पकड़िए ना जरा। Thank you.